तो ये देखो प्यार बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है रेस्टिंग एट द बॉटम ऑफ टू स्ट्रिंग, चलो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको दो स्ट्रिंग पकड़ के रखे हुए हैं और वो स्ट्रिंग एक दूसरे से 120 डिग्री पे है, मतलब एक स्ट्रिंग अगर ऐसे है तो दूसरी वाली जो भी स्ट्रिंग है वो यहाँ से 120 डिग्री पर ऐसे है, तो ये वाली दोनों स्ट्रिंग है यहाँ से और ये एंगल पूरा 120 डिग्री है दोनों स्ट्रिंग के बीच, ये दोनों इस ब्लॉक को पकड़ के रखे हैं, इसमें जो मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल है हर स्ट्रिंग में वो 20 न्यूटन, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो मैक्सिमम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब मैक्सिमम वेट कितना यहाँ सस्टेंड कर सकता है। देखो जो वेट इसका है, मैक्सिमम वेट मान लो मैंने लगा दिया तो मैक्सिमम वेट मान लो mg, ठीक है ना, तो हमें वेट ही निकालना है, मैक्सिमम वेट mg की वैल्यू निकालनी है, कितना वेट सस्टेंड कर सकता है। तो अगर तुम देखोगे इसको सिमेट्रिकली अगर डिवाइड करोगे ऐसे, तो ये जो टेंशन है जब वेट मैक्सिमम लगाओगे तो टेंशन भी मैक्सिमम लगेगा, और अगर ये देखोगे तो ये बेसिकली सिमेट्रिकली ये 60 डिग्री आ जाएगा ये एंगल, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा वर्टिकली अपवर्ड टी मैक्स cos 60 और एक यहाँ से इधर आएगा हॉरिजेंटल आएगा जो होगा टी मैक्स sin 60, ठीक है ना। तो अब सिमिलरली इसी तरह से इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे दूसरे वाले ये स्ट्रिंग में, इसमें भी तो टेंशन उतना ही है मैक्सिमम है, तो ये भी तो ब्लॉक को ये टेंशन मैक्सिमम लग रहा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री हो, तो इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर ही आएगा जो होगा t cos 60 मैक्सिमम, और ये एक हॉरिजेंटल आएगा जो कि इधर जाएगा और टी मैक्स यहाँ sin 60, तो हॉरिजेंटल में ये टी मैक्स sin 60 ये वाला टी मैक्स sin 60 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और वर्टिकल वाले भी क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो टी मैक्स cos 60 प्लस टी मैक्स cos 60, ठीक है, cos यहाँ से 60 बराबर होगा वेट W के जो हमें चाहिए, तो यहाँ से 2 टी मैक्स cos 60 और वेट W के बराबर हो जाएगा जो कि हमें चाहिए mg, तो 2 टेंशन मैक्स cos 20 और यहाँ से cos 60 sin 31/2, तो यहाँ से वेट W, तो 2 ने 2 को, तो जो मैक्सिमम वेट यहाँ लगा सकते हो तुम 20 न्यूटन, 20 न्यूटन से ज़्यादा लगाओगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, कम लगाओगे तो बहुत अच्छी बात, अच्छा ठीक ना, तो बी ऑप्शन सही है।